सॉलिड एज 2019 है मेरे पास। यहाँ से हम जाएंगे ISO मैट्रिक पार्ट, और आज सेकंड क्लास है। तो इसके अंदर जैसे हमने पहले किया था, बेस डिफेंस प्लेन को हमने ऑन किया, और सिंक्रोनस मोड में आपका भी चल रहा है ये। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ ऑर्डर मोड पे। ऑर्डर मोड में मैंने आपको पहले ही बताया था, बेनिफिट ये है कि ये बिल्कुल सॉलिड वर्क्स जैसा चलता है। जैसे CATIA में हम काम करते हैं तो स्केच बना के फिर आप इसको फीचर में कन्वर्ट कर सकते हो, सॉलिड कर सकते हो, वैसा ऑप्शन इसके अंदर चलेगा अगर आप इसको ऑर्डर में देते हैं। और सिंक्रोनस में रहेंगे तो वो डायरेक्टली बन जाएगा, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम जो आती है उसको, वो प्रॉब्लम उसमें ये आती है कि आप इसको एडिट अगर करना चाहते हैं सिंक्रोनस मोड में, तो एडिट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए ऑर्डर में ही स्केच लेके कौन से प्लेन पर काम करना है, ऐसे प्लेन सेलेक्ट कर लीजिए, कॉन्स्टेंट प्लेन आ रहा है। इसके अलावा आप कोई नया प्लेन क्रिएट करना चाहते हो, नया प्लेन क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी के लिए कॉन्सिडेंट ही लेते हैं। और नया प्लेन क्रिएट करना होता है, हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है, इन ऑप्शन से हम नए प्लेन को ले सकते हैं। कॉन्सिडेंट प्लेन लेके मैंने एक प्लेन ले लिया, और यहाँ पे आने के बाद ये लाइन पॉइंट हम लोग कर चुके हैं, रेक्टेंगल कर लिया है, सर्कल कर चुके हैं, टेंजेंट आर्क, SP लाइन, फिलेट चैम्फर, स्प्लिट और एक्सटेंड ये हो गया है, और ट्रिप यहाँ तक हम कर चुके हैं, कॉर्नर भी कर चुके हैं, ऑफसेट भी बता दिया था मैंने, ऑफसेट तक हो गया। अब आता है यहाँ पे मोड। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैं लाइन से कुछ बनाता हूँ, इस टाइप का मेरा एक ट्राइंगल बन गया है, और यहाँ से जाता हूँ मैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसको सेलेक्ट करिए और फिर यहाँ से लेते हैं मूव। मूव में जाने के बाद आपको पिक करना है पहला पॉइंट, पिक करिए और कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं। ये जो शो हो रहा है थोड़ा ग्राफिक की वजह से शो हो रहा है, मेरे लैपटॉप में शायद कुछ प्रॉब्लम है ग्राफिक की इस वजह से, और इसलिए इसे सेलेक्ट करता हूँ मैं, और फिर नेक्स्ट यहाँ से मूव लेता हूँ, और मूव के अंदर ही मूव लेके जब आप इसको लेंगे तो यहाँ से बेस पॉइंट आ रहा है, तो बेस पॉइंट मैंने ये क्लिक किया। उससे पहले अगर मूव करना है तो सोर्स के पोजीशन में चला जाएगा, आप यहाँ से कॉपी के साथ भी ले सकते हैं। आप क्लिक करिए, अब ये कॉपी कहाँ पे चाहिए, कॉपी कहाँ पे चाहिए, कॉपी कहाँ पे चाहिए, ये कॉपी आ जाएगी। तो कॉपी यूज़ करने के लिए आपको कॉपी का ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं हमारे पास है रोटेट। तो रोटेट के लिए मैं इसे एंटर करता हूँ, और यहाँ से मैं लेता हूँ एक रेक्टेंगल, और फिर सेक्शन टूल इसको सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करके यहाँ से जाएंगे रोटेट में, रोटेट में आके बेस पॉइंट पिक करिए, पिक किया, और यहाँ पे कॉपी है। अगर कॉपी नहीं चाहिए तो रोटेट हो जाएगा सिंपल, एंगल यहाँ पे डाल दीजिए कितना चाहिए 90 डिग्री का, और एंटर, और ये आपका रोटेट हो जाएगा। एंड फिर हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ से जाते हैं, और यहाँ से जाता है रोटेट, और रोटेट में जाके मैंने बेस पॉइंट लिया, पहले कॉपी को ऑन करता हूँ और बेस पॉइंट ले लिया क्लिक, और ऊपर की तरफ लेके जाना चाहते हैं, एंगल कितना चाहिए 90 डिग्री, और बन गया है। आगे चाहिए तो क्लिक करिए, नहीं तो रुक जाएगा। तो रोटेट विथ कॉपी, रोटेट भी जाएगा साथ में कॉपी भी होगा, रोटेट विथ कॉपी था। इसके बाद आता है हमारा मिरर। तो मिरर के लिए मैं यहाँ से एक सेंटर पे लाइन बनाता हूँ, जो कि मेरी एक मिरर लाइन हो जाएगी। इसके बाद सिलेक्शन टूल से मैंने सेलेक्ट किया जिसको मिरर करना चाहते हैं, मिरर लेंगे, और मिरर लेने के बाद अब आपको सिलेक्ट करना है कौन सी मिरर लाइन है, मिरर आ जाएगा, और अगर सिमेट्री चाहिए तो कॉपी आप हटा सकते हैं यहाँ से। ये बन गया हमारा, फिर सिलेक्ट करा हुआ है इस वाली को हमने, और मिरर, और नीचे वाला प्लेन, इस प्लेन पे जाता हूँ मैं यहाँ पे, और सिमेट्री को कॉपी पर हटा देता हूँ, और क्लिक, तो सोर्स बैक इरेज हो जाएगा, सिर्फ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। तो मिरर के मैंने दोनों ऑप्शन आपको बताए। स्केल, शिफ्ट प्लस मिडल क्लिक के साथ आप इसे पैन कर सकते हैं,
शिफ्ट प्लस मिडिल क्लिक पैन करने के लिए। फिर यहाँ से आके मैं लेता हूँ स्केल, स्केल में भी कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी ले सकते हैं। पॉइंट मैंने एक क्लिक किया और स्केल कितना लेना चाहते हैं यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, डबल एंटर, डबल हो जाएगा। कॉपी के साथ लेना चाहते हैं कॉपी के साथ हो जाएगा। फिर आते हैं स्ट्रेच, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेच। स्ट्रेच लेके सेलेक्ट करिए क्रॉसिंग विंडो से, आप फिर पॉइंट पिक करिए और लेके जाइए क्लिक, स्ट्रेच हो जाएगा। सिलेक्शन करिए ग्रीन विंडो से, आप पॉइंट पिक करिए और लेके जाइए कहाँ पे स्ट्रेच करना चाहते हैं, तो आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रेच हो जाएगा। तो सिंपल अंडू कर लेते हैं इसको, ऐसा आ गया हमारा। तो ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया है, ये वाला प्रोजेक्ट टू स्केच, ये 3D में काम करेगा अभी नहीं करेगा। क्लीन स्केच कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन क्या करेगा, सपोज मेरे को ये लाइन जो है ये नहीं चाहिए, मैंने बनाई थी लेकिन ये लाइन मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, इसको आप कंस्ट्रक्शन बोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। और सिंगल ये वाली हमारी डॉटेड लाइन होगी कंस्ट्रक्शन बोर्ड में। अब अगर आप इसको एक्सट्रूड करेंगे तो एक्सट्रूड नहीं होगी, एक्सट्रूड सॉलिड लाइन होगी जो स्टैंडर्ड लाइन है। ये कन्वर्ट करने के लिए वापस से कन्वर्ट करना चाहते हो क्लिक करिए, कन्वर्ट हो गई नॉर्मल जैसी हो जाएगी। क्रिएट एज कंस्ट्रक्शन, अगर आप इसको ऑन करते हैं उसके बाद अगर आप कुछ बनाएंगे तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन ही डायरेक्टली बनेगी, कंस्ट्रक्शन लाइन तो बन रहा है। कंस्ट्रक्शन लाइन को हम यूज़ करते हैं एज अ रेफरेंस, यहाँ पर आपको कहीं रेफरेंस के लिए चाहिए होगा तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे फिल, फिल में आते हैं और हमें फिलिंग चाहिए, इसके बीच में कैचिंग आ जाएगी। एंगल है यहाँ पे स्पेस दे रखा है और यहाँ से डैश चाहिए, किस टाइप का लेना चाहते हैं, किस कलर का होना चाहिए, कलर हो जाएगा एप्लिक। यहाँ से फिलिंग नहीं चाहिए कि चाहिए वो चेक कर सकते हैं। और इसमें एडिट करने के लिए से क्लिक करेंगे और ये एडिट स्केच, एडिट स्केच में जाएंगे और यहाँ पे ये हमारी हैचिंग आ गई हैचिंग करने के लिए। स्पेस सिक्स का स्पेस एंगल 45, ये रीडू अंडू करने के लिए हैचिंग कर सकते हैं। कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं, कन्वर्ट टू कर्व के लिए आप इसको सेलेक्ट करें किसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसके बाद हमें ऐसा क्लिक करता है कन्वर्ट टू कर्व, तो ये कर्व में कन्वर्ट हो जाएंगे और बीच का जो पॉइंट है देखिए वो चला गया है। अब आप इसे क्लिक करेंगे और आप जो पॉइंट बनना है आप इसको ड्रा करके ऊपर ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो लाइन्स हैं उनको कर्व में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। क्लिक किया हीरा पॉइंट और ड्रा करके नीचे ड्रैग करें, ये हमारा बन जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से आते हैं, यहाँ पे आपका शो ग्रिड, ग्रिड आपको शो हो जाएगा, छोटा करिए इस टाइप से। दो ग्रिड नीचे हो रहा है, एक तो ये रहा, यहाँ पर लाइन्स आ रही है, एक लाइन सी आ रही है, दो तीन लाइन्स भी शो हो रही है हमें। अगर इसे करते हैं हम स्नैप टू ग्रिड से क्या होगा, अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं ग्रिड के ऊपर तो अब आपकी जो लाइन है वो ग्रिड के ऊपर ही चलेगी, बनाते जाइए बनते जाइए। ये ग्रिड के ऊपर ही काम करेगा अगर आप इसे ऑन करेंगे, तो ऑफ कर देते हैं ऑफ हो जाएगा। फिर यहाँ पे जाता है, यहाँ पे आपके पास शो ग्रिड शो करना चाहते हैं, उसके लिए है ये स्नैप टू ग्रिड पर वर्क करेगा, जो भी पीछे हमने किया था किसी एंगल पे है अगर आपकी ग्रिड, तो ग्रिड के अंदर जो मेजर लाइन है उसके बीच का गैप, जो माइनर स्पेस है वो पाइप का है, कलर वो चेंज कर सकते हैं आप मेजर के लिए माइनर के लिए। तो ये ग्रिड की सेटिंग के लिए हमें यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है ये वाला रिलेट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर। तो रिलेट के लिए हम देखते हैं फिर नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट
नेक्स्ट क्लास में एक यहाँ से हम ले लेते हैं स्मार्ट डायमेंशन, और स्मार्ट डायमेंशन के थ्रू आप इसकी डायमेंशन कर सकते हैं क्लिक, कितना चाहिए आ जाएगा। 50 की जगह आपको 25 चाहिए, 20 मिल जाएगा। और इसे क्लिक किया, यहाँ से कितना लेना चाहते हैं क्लिक, आ जाएगा ये कितना चाहिए हमें, 55 चाहिए, 55 चाहिए मिल जाएगा। तो यहाँ से डायमेंशन से आप इसको ले सकते हैं। सपोज आपके पास सर्कल है या कोई एंगल है, तो यहाँ से जाएंगे स्मार्ट डायमेंशन, सर्किल के लिए तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे कितना चाहिए आपको डाल दीजिए, आप ऐसे 50 का डाल। और एंगल के लिए हमने एक लाइन ये क्लिक करी, और दूसरी लाइन से पहले आप यहाँ पर भी क्लिक करिए एंगल, और सेकंड लाइन कौन सी है, ये लाइन है, दोनों क्लिक करिए, दोनों के बीच में आ जाएगा क्लिक। कितना एंगल होना चाहिए, एंगल होना चाहिए 60 एंगल, 60 एंगल हो जाएगा। ऐसे एंगल डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप राइट क्लिक करके राइट क्लिक को प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये रीडिंग आ जाएगा एक बिन फिट फिट करने के लिए। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास के साथ।